कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो क्या मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का और क्या बताना चाहोगे आप? देखिए कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जो आप लोगों के थ्रू हमारे यानी आवाम तक पहुंचना चाहिए, आवाम को यानी बताना था। एक कुछ रमजान के महीने में खुशखबरी थी हमारे जावेद भाई, यानी काफ़ी टाइम से एक मसले के पीछे थे और अल्लाह के एहसान से आज यानी उसका एक लेटर उनको मिला है और वो बहुत अंतिम उस पर आ चुका है। तो वही रमजान के महीने में खुशखबरी देने के लिए आवाम को हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। क्या खुशखबरी है? देखिए कि जैसा कि आप जानते हो कि 2019 में पूरे मुंबई से यानी बीएमसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि जिनका 500 स्क्वायर फीट का रूम होगा उसको टैक्स माफ़ होगा। ये 2019 में मुंबई में आया था, तो उसी के आधार पर यानी हम लोग यानी चाह रहे थे कि मुमरा में और अपने थाना ज़िले में थाना डिस्ट्रिक्ट में भी टीएमसी ये करे। तो मैं तो उस वक्त यानी इसके लिए मैंने भी कभी एक लेटर दिया था, लेकिन उसके बाद आप लोगों को पता है कि कैसा हुआ और मुझे शहर छोड़ना पड़ा लॉकडाउन, फिर उसके बाद मुझे शहर छोड़ना पड़ा। तो मैं जब हैदराबाद में था जावेद भाई से मेरी बात हुई, जावेद भाई ने कहा कि भाई मैंने इसके लिए यानी कहीं ना कहीं एक यानी प्रक्रिया मैंने भी शुरू की है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यानी फॉलोअप करूँ और इसको आगे लेके जाऊँ। तो बस मैंने उनसे कहा कि करिए, बहुत अच्छा है, तो शहर के हित में बात है और आवाम के हित में बात है। तो उन्होंने इस मुहिम को आगे चलाई। आप देख सकते हैं कि उन्होंने पहला लेटर जो है 2020 में दिया था पीएमसी को और अपने मुख्यमंत्री सीएम साहब को, जितने भी यानी कंसर्न डिपार्टमेंट थे सब तरफ उन्होंने लेटर दिया था कि जिस तरीके से यानी अपना बीएमसी ने करा है उसी तरीके से टीएमसी भी हमारे लोगों को 500 स्क्वायर फीट पे जो टैक्स माफ करे। तो वो नोटिफिकेशन का उन्होंने हवाला भी दिया था, उसमें आप देख सकते जो बीएमसी की तरफ से नोटिफिकेशन आया, आप लोगों को भी यानी लेटर दिए है, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद यानी वो हवाले के बाद अब जब प्रक्रिया आगे चल रही थी 29 दिसंबर को 2021 को हमारे जावेद भाई को यानी आयुक्त से लेटर आया ना, टीएमसी कमिश्नर से लेटर आया कि यानी जो आपका अर्ज था वो हम लोगों को यानी सीएम ऑफिस से पहुंच चुका और हम लोग उस पर यानी कार्रवाई भी कर चुके। तो उसके बाद फिर यानी उसकी सब यानी माहिती लेने के बाद पता चला उसकी यानी जब बेसिस पे जब इन्होंने क्या बोलते 500 स्क्वायर फीट के लिए फाइट कर रहे थे तो उसमें इन्होंने बहुत से पॉइंट्स और भी ऐड कर रहे थे कि जो हमारे को ब्याज लगता है, शास्त्री टैक्स वगैरह लगता है, हमारे टैक्स का जो बकाया रहता है उस पर वो सब भी माफ़ किया जाए। तो उस दौरान ये टैक्स भी देखे आप 2021 में जो माफ़ किया गया था 100% टैक्स उसका भी हवाला दिया गया कि आपके लेटर पर हमने वो भी माफ़ किया। उसके बाद यानी शास्त्री टैक्स शास्त्री टैक्स बोले तो जो बकाया लगा उस पर जो ब्याज लगता है वो ब्याज माफ़ हुआ और अभी जो आने वाले वक्त पे इंशाल्लाह ताला 2023 के बाद पूरे यानी जो थाने सिटी के अंदर जो 500 स्क्वायर फीट के अंदर जो घर होंगे कारपेट 500 स्क्वायर फीट में, आपको ये यानी क्लियर कर लूँ कि कारपेट बिल्डअप नहीं, कारपेट जो स्क्वायर फीट रहेंगे 500 उसके यानी जो टैक्स होगी इंशाल्लाह ताला उसका ठहराव भी पास होगा। मैं आपको ठहराव भी बता देता हूँ टीएमसी में, देखिए ये भी लेटर हम लोगों ने निकाल के लाया माइसी के थ्रू के ठहराव भी जो उसका है ठहराव नंबर 318/18/11/2021 को उसका ठहराव भी पास कर दिया गया और उसको यानी शासन के पास भेजा गया कि हमारी तरफ से यानी इस पर नो ऑब्जेक्शन है, आप लोग भी इस पर देख करके हमको नो ऑब्जेक्शन दे दीजिए, इसका जीआर जो नोटिफिकेशन है कंसर्न डिपार्टमेंट में इसका नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाए। तो वो भी है और फिर ये देखिए टीएमसी की तरफ से हमारे जावेद भाई को कल पर 2 दिन पहले एक लेटर मिला है, आप देख सकते हो कि उसमें उन लोगों ने कहा है कि आपने जो मांगनी की थी वो अंतिम तप्पे पे है। आप देख सकते हैं नियमित किया ने अंतिम टप्पे पे आने, जो अभी आपको पता होगा कि जो मौज नहीं होती है ना, जो नाप तो होता है जो है ना, आप देख लेंगे कि टीएमसी की तरफ से अभी हर घर पर एक सर्वे चालू है और उन लोग है ना अंदर माप ले रहे वो ना वो कर मेजरमेंट कर रहे कि कितना स्क्वायर फीट क्या है। तो इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं आवाम को ये भी यानी एजुकेट करना चाहता हूँ और ये भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जो मोजनी हो रही है उसमें कुछ छेड़छाड़ की जा रही है और कारपेट यानी 500 स्क्वायर फीट के अंदर है आपका लेकिन कहीं उसको ज़्यादा बताया जा रहा है, तो हमारी MIM की टीम जावेद भाई है, शालम भाई है, मैं हूँ, हमारी पूरी टीम है वो अवेलेबल है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका अंदर और नहीं आपको ज़्यादा बता रहे हो लोग मोजनी में तो हमको कॉल करिए, हमको कॉन्टैक्ट करिए, हमारे नंबर सोशल मीडियाज पर अवेलेबल है, आप लोग तक यानी हम इजीली पहुँच जाएंगे नंबर और हम लोग यानी जैसे जितना जल्दी हो सकता है हम लोग उस पर कॉन्टैक्ट करके इंशाल्लाह ताला वो आपके लिए काम करेंगे। तो ये मुद्दों के लिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसकी तफसील जानकारी आपको यानी शालम भाई हमारे जावेद भाई ये आपको देंगे। जावेद भाई क्या कहना चाहिए? एक मिनट ये सबको दे दिए ये पहले ही दे देना चाहिए बात करो वो पूछ रहे आपसे देखिए जावेद सिद्दीकी साहब जिस तरह से आपने
जो भी सर साहब ने बताया इन इश्यूज को आगे बढ़ाया और काफी तक कामयाबी मिली, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए है इस बारे में जो 500 करोड़ का टैक्स के बारे में जो बात हुई है, अभी हमारे सदर साहब ने तफसील से बताए, अभी उस पर मैं भी रोशनी डाल दूँ अगर आपको कहते हैं। तो देखिए जब मुंबई में जब 2019 को अधिनियम क्रमांक 24 मुंबई महानगर पालिका अधिनियम के आधार पे जब वहाँ माफ हुआ था तो हमने ये जीआर लगा के मुख्यमंत्री जी को 19/11/2020 को हमने एक पत्र दिया था कि भाई ये हमारा जो थाने महानगर पालिका ये भी मुंबई में है, कहीं बाहर नहीं है, तो यहाँ क्यों सौतेला व्यवहार हो रहा। तो उनको मैंने लेटर दिया, तो उन्होंने मुझे लेटर दिया कि भाई आपका जो है ये हम तकरार स्वीकार किया है 21 दिसंबर 2021 को कि ये जो है हमने प्रपोजल में डाल दिया है। फिर उसके बाद हम थोड़े दिन के बाद जो है फिर मांगनी किया कि हमारा पत्र जो दिया गया था तो उस पर आपने क्या कार्रवाई किया। तो 18 अप्रैल 2022 को उन्होंने मेरे नाम पे लेटर दिया है कि आपका निवेदन ऑफिस क्रमांक नंबर इसके ऊपर महानगर पालिका को हमने सारे सबूत के आधार पे हमने भेज दिया है कि टैक्स माफ करना चाहिए। तो अगर वो लोग नहीं देते हैं तो शंकर जाधव से उप सचिव से मिले, अगर वो नहीं देते हैं नगर विकास विभाग को आप मिले। उसके बाद हमने फिर म्यूनसिपालिटी को एक पत्र जो है अभी दिया था, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया 27/4/2022 को कि आपने जो सरकार को महाराष्ट्र शासन को थाने महानगर पालिका के अंतर्गत सभी घरों के ऊपर 500 स्क्वायर फीट के अंदर जो टैक्स माफ करने की आपने मांगनी की थी वो सर्वसभा ठहराव क्रमांक नंबर 388/18/11/2021 को महानगर पालिका के क्षेत्रों में मंजूरी दी है। और वो मंजूरी के साथ में उन्होंने ये भी इस लेटर में कहा है कि जो भी बिल्डिंग में घर है कारपेट एरिया बिल्डअप एरिया की बिल्डअप एरिया जो है बिल्डर का एग्रीमेंट होता है, कहीं कहीं पे लोगों का टैक्स जो है बिल्डअप एरिया पे लगाया गया है तो हम उसमें भी टिप्पणी किया है कि नहीं कारपेट एरिया के ऊपर वो टैक्स जो है सबको मंजूरी करना चाहिए। तो वो अभी जांच चालू है, वो तो जैसे ही हो जाता है तो इंशाल्लाह 2022-2023 से टैक्स माफ हो चुका है, लेटर हो गया, प्रस्ताव हो गया है, सिर्फ वो थोड़ा टेक्निकल बात है, वो जिस दिन हो जाएगी मुमरा प्रभाग समिति में उसका लेटर आ जाएगा 2022-2023 में से जो है टैक्स माफ हो जाएगा। ये हमारे तरफ से MIM पार्टी तरफ से हमारे सदर के बताए हुए आदेश पे और हमारे सालम जी जो हमारे नगर सेवक हमारे पार्टी के हैं उनके कयादत में रह के ये आज जो मीटिंग रखी गई है वो हम एक तोहफा के तौर पे मुमरा शहर को दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ये कोई हवा में बात नहीं है, ये हमारी कागज के ऊपर बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू, दुआ में याद रखो। देखिए जैसे कि आप तमाम लोग को मालूम है कि जब भाजपा और शिवसेना की गठबंधन की सरकार थी इससे पहले उस टाइम पे शिवसेना का मैनिफेस्टोल में ये था जो 500 स्क्वायर फीट का टैक्स माफ़ करने का, जब वो उनका सरकार बनी उसके बाद इन लोगों ने नहीं किया था, हम लोग ने उसकी मांग की थी TMC के अंदर, लेकिन उस वक्त तक ये आया नहीं था। लेकिन इस बार जब ये सरकार आई है तो BMC में अभी गए साल में हुआ डिक्लेयर किया, TMC में इंशाल्लाह था जिस तरीके से जावेद भाई ने बताया सारे पेपर, और इंशाल्लाह चाहेगा तो इलेक्शन 2022-23 के बाद मुमरा से भी टैक्स फ्री हो जाएगा, जो 500 स्क्वायर फीट के घर है तो तमाम घरों का टैक्स माफ़ हो जाएगा, पूरे TMC पूरे थाने जिले के अंदर जो भी रहेगा उसके अंदर माफ़ हो जाएगा। और जैसे ही ये प्रस्ताव पास हो गया, प्रस्ताव तो पास हो गया, ठहराव भी आ गया, अब पेपर टेक्निकल काम बाकी, उसकी वजह से लेट है ना, तो जिस दिन को फाइनल होगा तो हर माह ये प्रभाग समिति में उसका लेटर आ जाएगा, उसके हिसाब से फिर टैक्स माफी का काम खत्म हो जाएगा यहाँ से इंशाल्लाह।